आशा आप ये अटेंडेंस शीट ले लें। आशा ये आप अटेंडेंस अटेंडेंट। आप स्मूथली साथ साथ चलते जाओ, साथ साथ नेम कॉल करो जरा। चले बाद में कर लेंगे, रख दें इसको। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज लगता है कि लोगों की नींदें पूरी शायद नहीं हुई, क्योंकि आज बिजली किस किस के यहाँ नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी किस किस के नहीं थी, काफ़ी सारी अटेंडेंस जो है ना इसलिए शॉर्ट है। अच्छा जी, कल आप लोगों ने जो स्टडी किया था, एक हमारा दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक तो हमने डिज़ाइन के बारे में कुछ पढ़ा था, डिज़ाइन को हमने स्टडी किया था। डिज़ाइन में पहले हमने सबसे पहले लाइन को स्टडी किया और कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन को समझा हमने। उसके बाद हमने दूसरे एंड के ऊपर हमने कुछ आगाज़ किया था कि कल को आपको अगर सेल करना है अपनी प्रोडक्ट तो आप कहाँ पे जाके बेचेंगे, तो वो भी आपने कल थोड़ा बहुत उसको देखा। आज की ज़्यादा क्लास हम थ्योरी के साथ हम आज कनेक्ट नहीं करेंगे, आज हम प्रैक्टिकल पर जाएंगे। तो आज मैं चाहूँगा कि आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले एक मैं टेम्पलेट ऑन किया है, तो हाउ टू क्रिएट अ वीडियो, ठीक है। वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे ही जैसे कि आपने क्रिएट किया है इमेज, तो आज हम उसको ज़रा स्टडी करेंगे। तो जो लोग उस पर लॉगिन होना चाहें लॉगिन हो जाएँ, वरना ये खुद भी आराम से जाके अपने घर पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा इसका हिंट बता देता हूँ कि वीडियो में आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप जाते हैं और जाके आप जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, जैसे टेम्पलेट्स आपके यहाँ मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आप जिस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं उसके बारे में भी कर सकते हैं, वरना आप सिंपली अगर आपको कोई आइडिया इस वक्त नहीं है तो आप सिंपल वीडियो के बारे में लिखें, इंट्रोडक्शन के बारे में लिखें, कॉन्सेप्ट के बारे में लिखें, तो वो आपको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ दे देगी। इमेजिन करते हैं कि जी हमने एक वीडियो बनानी है जो कि हम बात कर रहे हैं, एक सिंपल वीडियो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि एक तो है सिंपल, आपने जो कैमरा से आम वीडियो में और जो एडिटेड वीडियो में फ़र्क ये होता है कि सिंपल कैमरा में जो वीडियो होती है उसमें आपका कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होता, उसमें कोई एनिमेशन नहीं होती, उसके आपके फ्रेम नहीं बने होते, जबकि हम जब किसी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं। उसमें क्या लिख सकते हैं, उसमें आप उसकी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसका टाइटल आप उसको दे सकते हैं, उसके बाद उसके जितने भी उसके अंदर आपकी सब टाइटल्स हैं वो दे सकते हैं, क्रेडिट्स दे सकते हैं, आप उसके ट्रांजिशंस डाल सकते हैं। कुछ इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं ट्रांजिशंस, कुछ आप उनको उठा सकते हैं कल को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अच्छा, मैं आपको परसों में आपको बताने में थोड़ा सा मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मेनली जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ करते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, उसके अलावा AI कहते हैं उसको, उसके अलावा अडोब फोटोशॉप यूज़ होता है जो वाइडली यूज़ होता है, फिर कोरल ड्रॉ यूज़ होता है। पाकिस्तान में मेनली यही 3-4 सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इन पर आपको सीखने के लिए बहुत लंबा आपको टाइम चाहिए। इसी तरह ही जब आप वीडियो साइट पर आते हैं तो वीडियो साइट पर भी इसी तरह ही जो अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर हैं उसमें एप्पल में आता है, फाइनल कट प्रो आता है, इसी तरह ही आपका अडोबी में आता है, अडोबी प्रीमियर। ये दोनों सॉफ्टवेयर हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको इवेंचुअली इन्हीं पे काम करना है। कल को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना कि आपने फील्ड, मिसाल के तौर पे अभी तो आप सिलेक्शन में भी जा रहे हैं कि आपने ग्राफिक्स में जाना है, आपने एडिटिंग में जाना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, एडिटिंग में जाना है, कॉन्टेंट क्रिएटिंग में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, इसी के अंदर मुख्तलिफ और भी डिजिटल में भी बहुत सी फील्ड आएंगी, और सिर्फ एक एक चीज़ के अंदर भी आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। लेकिन कल को अगर मिसाल के तौर पे आप वीडियो एडिटिंग पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बेसिक है, बेसिकली आप जल्दी से काम कर लेंगे, कैनवा पे आप जल्दी से काम कर लेंगे। इसी तरह के 3-4 और सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपको उसका भी तारुफ करवाता हूँ, इसके बाद आगे जैसे जैसे क्लास प्रोसीड होगी हम उसका तारुफ करवाएंगे। लेकिन कल को आपको मेन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पर जाके काम करना है, जो कि जो मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर दो हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के हैं, एक एडोब प्रीमियर है जो, और दूसरा है फाइनल कट प्रो। अब इसके अलावा बहुत से और ऐसे शॉर्टकट्स हैं
आप इवन आप विंडो का जो एक विंडो का अपना एक बिल्ट इन आता है, समटाइम नहीं आता तो उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं विंडो मूवी मेकर के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें भी आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं और बड़ी अच्छी एडिटिंग उसमें भी हो जाती है। आप टेक्स्ट और बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप इवन फ़ोन से भी कर लेंगे, आपको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग फ़ोन पे भी इंस्टॉल कर लेते हैं इनशॉट या मुख्तलिफ और ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन ये टिकटॉक की तरह की जो एप्लीकेशन हैं ये भी बेसिकली एडिटिंग एप्लीकेशन का ही उन्होंने वर्जन दिया हुआ है। इवन आप जब इस पे जाते हैं, आप YouTube पे जाते हैं तो YouTube में भी कुछ बिल्ट इन फीचर्स हैं जो इसमें आप कुछ ना कुछ कट एंड पेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वीडियो एडिटिंग होती क्या है, वीडियो एडिटिंग के मेथड्स क्या होते हैं, वो इससे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कल को ज़्यादा लोगों को आप स्टडी करेंगे जो इस फील्ड के हैं, तो कल को अल्लाह करे आप वीडियो एडिटिंग में जाते हैं, फोटोग्राफी में जाते हैं, कुछ हम आपको उसकी भी बताएंगे कि कल को कि तस्वीर कैसे ली जाती है, तस्वीर जो है वो लाइट और शेड के साथ ली जाती है, उसके बारे में भी आप इस्तेमाल आपको बताएंगे। तो वीडियो बनाना, तस्वीर लेना और फिर वीडियो एडिटिंग करना, ये एक ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश काम है और लोग इवन जो फिल्म बनती है, जो ड्रामा बनता है, वो भी बेसिकली इसी फील्ड का ही एक्सटेंशन है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वो भी वीडियो मेकिंग और वीडियो एडिटिंग और बाद में उसके बाद आगे की लेवल जो हैं वो होते हैं इसके अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, वाइड फील्ड है। तो इस वक्त जो वीडियो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है ऑडियंस को इंगेज करने में। जैसे तस्वीर है ना, पिक्चर, एक पिक्चर है, पिक्चर की आपने पोस्ट क्रिएट कर दी, आपने डिज़ाइन बना दिया, तो उसने उस इंगेज कर लिया। वीडियो लंबे अरसे तक इंगेज करती है। इस वक्त पाकिस्तान में वाइडली यूट्यूब को और वीडियो कॉन्टेंट को देखा जा रहा है, और ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, कल का आप इसमें फ्यूचर में एक्सपर्ट बनेंगे, कि जितना शॉर्ट वीडियो अब आजकल के दौर की बात हो रही है, कि आजकल कोशिश ये की जा रही है कि शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल के अंदर आप अपना मैसेज दे दें, उसमें आपकी डिज़ाइन भी आता है, उसका पहले आपको स्टोरी राइटिंग होती है, उसका बेसिकली लिखना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, या कोई भी जैसे डिज़ाइन बनाते हैं उससे पहले आपको स्टोरी बोर्ड बनानी है, उसकी स्टोरी बोर्ड मीन्स स्क्रिप्ट लिखना है उसका, कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, बाद में लोगों को कांटेक्ट करने का तरीका कार क्या होगा। इसी तरह ही वीडियो में भी यही चीज़ मैसेज दे जाता है। इस वक्त जो बड़ी फेमस, जो अच्छी और फेमस जो वीडियोस क्लिक करती हैं, उनका मैसेज 2 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना होता है, आपको 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करनी है। बल्कि आप तो कुछ ऐसे हैं जैसे मुख्तलिफ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं, उसमें 30 सेकंड में आप बात को कंप्लीट करते हैं। वीडियोज़ बनती हैं जैसे शॉर्ट्स हैं या रील्स हैं या इंस्टाग्राम, ये जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ होती हैं, ये आपको इसीलिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करने का थीम दी जाती है। तो हम कैनवा में आके इस तरह की वीडियोस भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि आपने ये वीडियो खोली, इसमें जाके किसी भी थीम को उठा लें यहाँ से, या अगर आप स्पेसिफिक किसी थीम में जाते हैं, हम यहाँ पर ये एक फॉरेस्ट के हवाले से एक आप थीम है, इसको हम यूज़ करते हैं। एक आध मेरे पास वीडियो पड़ी होगी, मैं इसको इंडल्ज करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। हमारे पास जो, जैसे मैंने कहा कि स्क्रिप्ट बड़ा ज़रूरी है, पहले जब आपने कोई भी एडिटिंग करनी है, आपने कमर्शियल बनाना है, आपने कोई बनाना है, इसका वीडियो एडिट करना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि जिसका टाइटल क्या होगा, उसके कीवर्ड्स क्या होंगे। कीवर्ड्स का मतलब कि जो जिस नाम से वो पहचाना जाए, कीवर्ड उस शॉर्ट टाइटल शॉर्ट वर्ड को कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो कहानी तो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन आप उसमें सिर्फ वही वर्ड 2-3 वर्ड लिखते हैं जिससे कि वो आपको जो वर्ड आप लिखते हैं उसी की सर्च आपको आती है। ठीक है जी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये सामने एक वीडियो है जिसका ये टेम्पलेट बना हुआ है। ठीक है, इसको आप, इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इसमें इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इसके सामने के जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं।
वैसे ही आपको जाना है, जब आपने अगर मीडिया अपलोड करना है तो अपलोड मीडिया पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, आप अपनी जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन फ़ाइल पड़ी है वहाँ से आप उस फाइल को उठा लें, और फाइल को उठाने के बाद आप उसमें आई थिंक सर्वर आ रहा है, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, शायद ये अपलोड हो जाए, क्योंकि आज हमने रिक्वेस्ट किया नेटेल वालों से, तो वो कहते हैं जी कि एक वक्त में जब 20 से ज़्यादा लोग लॉगिन होंगे एक जगह पे तो आपको नेटवर्क में मसला आएगा। तो कल को कोशिश करते हैं कि एक हम डिवाइस लगा इंस्टॉल करते हैं जिसमें कि मेरे पास लगा डिवाइस हो, आप लोगों के पास लगा हो, ताकि वो नेटवर्किंग का इशू ना आए। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर आप जाते हैं, उसको आप जाके इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आप इधर लिख लें, आप कुछ भी आपने इसको ट्रेल 6 इस्लामाबाद का कर दिया। यहाँ पे आपने इसके बैकग्राउंड में जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहें यहाँ से आप जाके अपलोड करके इसकी वीडियो आप चेंज कर दें, इसकी आप इसको आगे पीछे ले जाना चाहें तो आगे पीछे भी ले जाएं,
बैकग्राउंड में आपने उसको चेंज करना है, इसमें आप वीडियो अपनी मर्ज़ी की यहाँ से डाल सकते हैं, जो कि अभी इस वक्त अपलोड नहीं हो रही, अगर अपलोड होती तो मैं फ़ौरन डाल देता इसमें, या कोशिश करते हैं एक अटैम्प्ट और करते हैं। चलिए नहीं हो, कहने का मतलब है कि यहाँ से आप इसको चेंज कर देंगे बैकग्राउंड को, इसके अंदर आप इसको प्ले करेंगे तो वो आपके जो वही बैकग्राउंड जो में वीडियो चल रही होगी वही बैकग्राउंड आपकी प्ले हो जाएगी, और आगे जो आपने मैसेज दिया होगा वैसे ही वो मैसेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप अगर ऐड करना चाहें, इसमें आप एक और स्लाइड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इधर ही आप जाएँ, इसको आप जोड़ें, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 स्लाइड ऐड करें, इसकी आप इसके दरमियान में इसको एनिमेट कर सकते हैं, जो कि हमारी टेम्पलेट्स में पड़ी है, वो आप आराम से जाके टेम्पलेट्स में देखिएगा, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। तो जो हमारा एक तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है वीडियो एडिटिंग को, कि आप इसके 3-4 टेम्पलेट्स बना लें, मुख्तलिफ वीडियोस में वीडियोस डाल के इसको आप वैसे ही डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले अपने ग्राफिक डिज़ाइन में हमने किया था। इसी तरह ही हम जाएंगे इसके बाद, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है फेज़ जो आम तौर पे यूज़ होता है वो प्रेजेंटेशंस का है। तो प्रेजेंटेशन में भी ऐसे ही इसी तरह से आप मुख्तलिफ स्लाइड उसमें डाल सकते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर भी बहुत से टेम्पलेट्स में पड़े हुए हैं, उसमें से आप यूज़ करते हुए तो आप उसमें एक जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया करते थे ना, अब वही चीज़ आ गई है वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर, कि आपने मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट्स मिसाल के तौर पर कोई भी आपने एक डायरेक्टरी बना ली किसी अपनी प्रोडक्ट की, किसी शॉप की, किसी बिज़नेस की, उसको आप मुख्तलिफ 1, 2, 3, 4, 5, 7 स्लाइड्स के अंदर जेके उनको आप मिक्स करके मर्ज करके कर सकते हैं। जैसे कि ये गार्डन का ये टेम्पलेट है, तो इसको आप जब यूज़ करेंगे तो इसी तरह ही इसमें आप मुख्तलिफ इसमें चीज़ें आप जोड़ के एनिमेट कर सकते हैं और ये वापस वैसे प्ले होगा। जैसे ये मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह से वन बाई वन आप इसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी आप चेंज कर सकते हैं। ये इंडिविजुअली हर पिक्चर चेंज हो सकती है, यहाँ पर जैसे पिक्चर है ना, यहाँ पर आप पिक्चर दूसरी लगा दें, इधर पिक्चर दूसरी लगा दें, तो ये वैसे ही इसको अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, जैसे ये टाइम आपने इसको टाइम लैप्स बढ़ा दिया, इसको जैसे ये हमने बढ़ा दिया है, तो ये अब क्या होगा, ये आराम आराम से वन बाई वन आपकी ये इसकी वो चेंज हो जाती है, इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, इसकी आहिस्ता करना है, तेज़ करना है, इसी तरह ही आप जाके इसको ज़रा स्टडी करेंगे ना, इंडिविजुअली आप खोलेंगे तो आपको ये सारा इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, इसी में जाएंगे तो आपको ये सारा बैकग्राउंड के कितनी देर बाद ये ओपन होगा, कितनी देर तक खुलता रहेगा, स्केल क्या होगा, एग्रीगेट है, फ़ोटो मूवमेंट किस तरह होगी, फ़ोटो फ्लो तेज़ हो, आस्ता हो, तो ये जब इंटरनेट थोड़ा सा हमारा बेहतर होगा तो ये टेक्स्ट भी कैसे मूव करे, तो ये आप देख रहे हैं साइड से, जब आप ये प्रेजेंटेशन को खोलेंगे तो आप लोग अगर एक काम करें, आप लोग अपने सारे जो है ना इंटरनेट के कनेक्शन बंद करें ताकि ये चल सके, ताकि इसको हम चला लें, फिर आप घर जाके इसको रीकनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारा जो हमारा वीडियो का जो सेगमेंट है, वीडियो का सेगमेंट भी यहाँ से काफ़ी हद तक आप इसमें से पोस्ट क्रिएट करने में आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 1-2 इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर, वो अगर आपका इंटरेस्ट अभी मैं 2-3 दिन के बाद मैं आपका फिर इंटरेस्ट देखूँगा कि आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट कंटेंट राइटिंग में ज़्यादा है। कल जो है हमारी आज कुछ हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग पे, लेकिन आगे चल के हम कंटेंट राइटिंग लिखने पे और उसको क्रिएट करने पे बात होगी। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा तो फिर आपको मैं उनके सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा कि आपने वो सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब, अगर आपने वीडियो एडिटिंग पे जाना है तो फाइनल कट प्रो है जो मैक का सॉफ्टवेयर है, और एडोब प्रीमियर है जो कि विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे जाना है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरल ड्रॉ यूज़ करना है, आपने एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना है, फोटोशॉप यूज़ करना है, या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, लेकिन आपको उसका एक नॉलेज होनी चाहिए ताकि काम चाहे आप इसका आपका इसी में चल जाएगा, काम आपका मेजॉरिटी जो अगले साल का काम जो है ना इसी में से निकल आएगा, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि जैसे आप कोई गाड़ी चलाने बैठते हैं ना, तो आपको कम से कम ये तो ज़रूर पता हो कि गियर कहाँ होता है, क्लच कहाँ होता है, स्टार्ट कहाँ होती है, टायर कहाँ होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकें,
काम आपका 90% इसी में से निकल आएगा, इन्हीं सॉफ्टवेयर में से जो मैं आपको आज के बाद, एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है मुआवी के तौर पे यूज़, मुआवी के नाम से है, इसी तरह ही फिल्मोरा है, इसी तरह ही हमारे पास जो मैं कभी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभार वो भी शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जो मैंने बताया, विंडो मीडिया एडिटर है, विंडो मूवी मेकर है, इस तरह दो तीन और भी हैं, मैं आपको वो मैवरिक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, तो वो भी सॉफ्टवेयर तो बहुत से हैं, लेकिन आपको वो भी पता हो कि ये सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं, और साथ ही साथ आपको पता हो ये शॉर्ट में आप वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो ये क्या क्या उसमें बनता है, आमतौर पर वीडियोज़ में एक सिंपल वीडियो होती है जो कि आप क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं या क्लाइंट को आप देते हैं, फिर आपकी फेसबुक की वीडियो होती है वो भी इसी तरह से क्रिएट होती है, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट बना के आप कर सकते हैं, फिर आपके मैसेजेस हैं वीडियो के, इस तरह ही आपका वीडियो कोलाज बनाते हैं लोग, वीडियो ऐड बनाते हैं, स्लाइड शोज़ बनते हैं वीडियोस के, जैसे हमने कहा कि वीडियोस इंस्टाग्राम की रील्स बनती हैं, लिंक्डइन की वीडियो बनती है, टिकटॉक वीडियो का ऐड बनता है। अच्छा इनके ना जब ये आपका इसमें फ़ायदा क्या है, इन इस सॉफ्टवेयर में काम करने का फ़ायदा ये है कि हर एक प्लेटफॉर्म का साइज़ डायमेंशन फ़र्क है, आपने कुछ बनाया होगा ना आर्टवर्क तो एक जगह पर लगाते हैं तो जाके वो उसका वो डीपी से बाहर निकल जाता है, वो इंस्टा आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं कि तस्वीर तो वो बाहर निकल जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जब उस स्टोरी बोर्ड में से निकालेंगे ना आप, तो आपका वो पूरे का पूरा वीडियो, पूरे का पूरा फॉर्मेट पूरा उसमें आएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये मुख्तलिफ इसके टेम्पलेट्स आपने देखने हैं कि ये कैसे चलते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, ये तफसीलन आप इसमें वीडियो मैसेजेस में आप, फिर इसी तरह थंबनेल्स हैं, ये मोबाइल वीडियोज़ की ये एग्जांपल है। देखिए जितना इंटरेस्टिंग आपका वीडियो होगी ना, एक सिंपल ब्लैंक सी वीडियो है, उसी को आप जब इसी तरह ही इस तरह टेक्स्ट में, ये देखें अब ये ट्रैफिक की वीडियो है, ठीक है, जिसको मैसेज दिया है कि आप आवाज़ आस्ता करें, शोर ना करें, हॉर्न ना बजाएं। अच्छा ये देखें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो कॉन्टेंट ये है कि ये देखिए हमारा जो फ़ोन है ना, अब हमारे 97 पाकिस्तान में 97-98% फ़ोन पर देखा जाता है, तो अब जो मॉडर्न कॉन्टेंट क्रिएट हो रहा है वो वीडियो का, वो इस शेप में क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं आप देखते हो कि कई वीडियोस के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, लेकिन अक्सर वीडियोस जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे डिज़ाइनर से बनाई होती हैं वो पूरे का पूरा स्क्रीन पे चलती है वो वीडियो, तो जितनी वाइड और जितना पूरा मैसेज आपका आएगा वो उतना अच्छा लगेगा। तो ये जो आपको टेम्पलेट्स यहाँ मिलेंगे तो वो उसी तरह के हैं, ये देखें आप ये पूरा ये मैसेज दे रहे हैं, ये लगा सकते हैं, इसमें ऑडियो दे सकते हैं, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ऑडियो, ये नीचे ऑडियो है, इस पर आप ऑडियो पेस्ट कर दें, कहीं से भी ऑडियो लें उसको कंप्यूटर में सेव करें या मोबाइल से आप उठा के इसमें आप ऑडियो पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे ऑडियो आ रहा है। चलो जी, तो ये हमने बेसिक इस पर कुछ वीडियो पे बात कर ली, आज हम दूसरा जो टॉपिक हमने कवर करना है वो कवर करना है कंटेंट के ऊपर। अच्छा आप लोग सब अपने फ़ोन के ऊपर आप अगर खोलें और देखें तो पता चलेगा आपको कि एक हम लिखते हैं टाइप करके टेक्स्ट के ज़रिए, करते हैं ना आप लोग, आप लोग अभी अपने फ़ोन को की सेटिंग में जाएं, वहाँ पे गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल करें, गूगल कीबोर्ड, जी बोर्ड भी कहते हैं उसको, जी बोर्ड, जैसे कि आप जब जी बोर्ड इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद अभी मिसाल के तौर पे आपने कुछ टाइप करना था, प्ले स्टोर से या गूगल पे से आप ले सकते हैं,
अच्छा अभी आपको ये नज़र आ रहा है सामने, इसको जब टाइपिंग में जाते हैं यहाँ पे तो आप लिखते हैं सलाम, ऐसे आमतौर पे ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। अब आप जब आपके पास गूगल का वॉइस टाइपिंग ऑन होगा, इसमें जी बोर्ड में जाएंगे तो आप जब लिखते हैं, जैसे ये लिखा है हमने, अब ऐसे जाएंगे सिंपल, इसमें ये वाला बटन नजर आ रहा है, छोटा सा एक बटन है राइट साइड पे, बिल्कुल माइक से इस ब्लू ग्रीन माइक के नीचे एक माइक नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। अब आप बोलते जाएं और ये लिखता जाएगा, आप बोलते जाएं और ये लिखता जाएगा, और जब तक आप बोलते मतलब आपका वो आप देखें जितनी देर बोल सकते हैं आप उतनी देर ये लिखता रहेगा। एक तो ये आपको बिल्कुल सिंपल फीचर है इसका, तो आपकी टाइपिंग इतनी आसान हो जाएगी अगर आपको बोलना जो भी आप कह रहे हैं वो आपको। अच्छा इसमें फिर ये है कि इसको आप बाद में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा इसी में दूसरा है ऑप्शन जो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आप ये जो ये वाला बटन है, एक दुनिया का जो निशान ऐसे ग्लोब सा बना हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं तो आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो चलो इंग्लिश में थोड़ा सा फिर आसान था, अब उर्दू का देखें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोग नाश्ता अच्छा करके आए होंगे, बिजली गई होगी और हम उसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी, ठीक है। अब आपको लिखने के लिए ये टूल, अब इसको आप पश्तो में करें, आपको अंग्रेज़ी आती है, फारसी आती है, जापानी आती है, जो भी। अच्छा इसी को ये तो ये भी बोलता जा रहा है जो मैं कह रहा हूँ वो भी बोल रहे हैं। एनी हो देख रहे हैं, तो अब आपको अच्छा अगला काम क्या है, इसी को आप उठाएंगे, वो अगले टूल्स हैं वो आप आगे जाके मजीद एक्सप्लोर करेंगे। गूगल ट्रांसलेट के अंदर जाके इन्हीं को आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको आप जर्मन में, फ्रेंच में, किसी भी ज़ुबान में ट्रांसलेट करना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये दोनों अपने जो है ना, ये वॉइस टाइपिंग वाला जो, और वॉइस में ख़ासतौर पर जो लैंग्वेजेस वाला, इसको आपने इस्तेमाल करना है। और अक्सर कई दफ़ा होता है आप टाइपिंग करते हैं, अच्छा इसमें फिर कल को आप इसको उठा के, तो आपने हमेशा आपको एक मैंने पहले बताया था पहले दिन कि आप लोगों को ये याद हो कि आपको एमएस ऑफिस को ज़रूर आपने स्टडी करना है, एमएस ऑफिस को स्टडी करना है, क्योंकि कल को बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वहाँ पे जाके टास्क करने पड़ेंगे, जिसमें क्या क्या शामिल है, वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो आपके मैंडेटरी है ना, तीन चार चीज़ें तो आपको ये लाजमी आनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पर जाके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करनी होंगी, वहाँ पे टाइप करके आपको लिखनी होंगी। अच्छा इसमें जब भी आपने हमेशा डिज़ाइनिंग में, एडिटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, और ख़ास तौर पर प्रपोजल राइटिंग में, कोटेशंस के अंदर, सब चीज़ों में एक ख्याल ज़रूर रखना होता है, आप चाहे थोड़ा लिखें, सिंपल लिखें, लेकिन उनके स्पेलिंग करेक्ट हों। आपने एक बोर्ड किसी को बना के दिया, किसी को पोस्टर बना के दिया, आपने चार छः लोगों को बताया कोई इशू नहीं, लेकिन अब वो अगर हज़ारों लोग देखते हैं तो सब लोग हमेशा नेगेटिव बात पे तनकीद करेंगे, आपकी 2000 वर्ड्स को कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा, आपकी 2 स्पेलिंग मिस्टेक को लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे। इसलिए स्पेलिंग्स आप बड़ा ही आसान काम है, गूगल पे आप जो भी आप लिखें, पहली बात है आपके कोशिश करें कि जो वर्ड्स हों वो आप पहले से सेलेक्ट करके लिखें, लेकिन अगर आपने नहीं भी आपसे हो सका तो उसको आप ज़रूर लेके जाएं, उसको गूगल पे लिखें या उसको एमएस ऑफिस में लिखें, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि ये स्पेल ठीक है या नहीं है। कई दफ़ा एक ही लफ्ज़ के मिलते जुलते उसका मफहूम डिफरेंट हो जाता है उसका, तो वो आपने हमेशा इसको याद रखना है कि स्पेलिंग आपने करेक्ट लिखने हैं। और उसके लिए इसको आप उठाएं, इसी को उठा के आप कॉपी करें और उठा के आप वर्ड में डाल दें या किसी जगह पर डाल दें, तो वहाँ पर आपको पंक्चुएशन दे देगा, ठीक है जी। ये आपका बड़ा ही ज़िंदगी आसान करने वाला टूल है, कोई भी चीज़ आप, इवन किताब है आपकी, आपकी बुक है, आपने मिसाल के तौर पे कल को आर्टिकल लिखना है पूरा, ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ें या कहीं से उसको स्टडी करके
और कुछ अपने पॉइंट्स बना लें और उसको बोलते जाएं, वो टाइप करता जाएगा, और उसको उठा के ऑर्गेनाइज़ कर लें। जो काम आप 5 घंटे में कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर या ये टूल्स आपको 15 मिनट 20 मिनट में करके देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, पहली बात तो ये है। दूसरा, जब आपने डेटा कल को एक्सट्रैक्ट करना है, ये तो मैंने ये आपको टूल समझाया, ये समझ आ गई आपको सबको। गूगल के अंदर ही कई ऐसे अनरेटेड मतलब जो कि ज़्यादा मशहूर नहीं है या ज़्यादा, क्योंकि वो कमर्शियल चीज़ें नहीं हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंदर बहुत अच्छी अच्छी हैं। इवन हम आपको कल या परसों में आपको 2 दिन बाद बताऊंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग गूगल। वेबसाइट बनाना तो बहुत बड़ा काम है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा काम है, लेकिन गूगल की मदद से आप लोगों के अपने हाथ से, आप नाम लोग आप लोग सेलेक्ट करके आइएगा, सोच के आइएगा अपने जो है ना, ये जो आपने जैसे बनाया, बड़े अच्छे अच्छे मैंने देखे हैं कुछ आइडियाज़ में, आप लोगों ने, आप सबके साथ शेयर करते हैं, बड़े अच्छे, मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने जो लोगोज़ और आर्टवर्क्स और विजिटिंग कार्ड बनाए हैं, तो इन्हीं को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो वेबसाइट भी आपको बनाना हम कोशिश करेंगे, गूगल से सिखा देंगे। ठीक है, गूगल की गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर आप आराम से तसल्ली से बैठ के आप 1 पेजर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। कल को आप अपनी मर्ज़ी से वो साइट ले ख़रीद भी सकते हैं। ख़रीदने के लिए शायद एक साइट को ख़रीदने का 1000 रुपये लगता है शायद, वो आपको पे करना पड़ता है उनको, और होस्टिंग की कुछ अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन कम अज़ कम आपको दिखाने के लिए ये साइट अवेलेबल होगी। आप उसी के प्लेटफॉर्म पर गूगल साइट के ऊपर जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो वो भी आपको आसानी हो जाएगी। तो अब अगला स्टेज आता है, जब आप डेटा कंपाइल करते हैं तो कई दफ़ा हमें अक्सर मुश्किलात पेश आती हैं कि हमें उसको किसी को व्हाट्सएप ऐड कैसे करें, सर्च कैसे करें, भेजें कैसे। मिसाल के तौर पे अभी कोई भी ऐसा नंबर आप में से पीछे से कोई बंदा बताए मुझे, नंबर बोलेंगे, मैं आपको एक नंबर शॉर्ट कोड बताता हूँ कि कैसे आप जल्दी से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। एक इसका कोड है, सब लोग नोट कर लें, WA.ME/92 लिखेंगे, उसके बाद नंबर बोलें, कोई भी नंबर बोलें, आप नंबर बोलें, कोई नंबर बोलें जो आपके पास फ़ोन है इस वक्त, इस पे नंबर बोलें, कोई नंबर, क्या आपका नंबर क्या है? 311-517-8710। अब ये देखें, ये नंबर है, ये नंबर पता नहीं मेरे पास सेव है नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आप विदाउट सेविंग अ नेम आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। आपको करना है ये कि आप, अच्छा आप लोगों का एक और प्रो टिप देता हूँ, आप लोग ना अपनी एक डायरी बनाएं मोबाइल के ऊपर ही, व्हाट्सएप पे डायरी बना लें। वो डायरी क्या है, आप अपने चाहे 2 दोस्तों का मिलके बना लें, अपने 2 नंबर हैं उनको मिलके बना लें, किसी बाबा भाई का नंबर मिलके बना लें, या ख़ुद को भी भेज सकते हैं। आप अपना नाम सेव करें और ख़ुद को ही मैसेज भेज दें। इसके इसमें जैसे ही मैंने लिखा हुआ है, मेरा एक नंबर है, मैं मैसेज कर रहा हूँ अभी। तो क्या होता है कि मैंने ना एक, अभी मैं ये करके बताता हूँ, पहले आपको ये बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि वो माय डायरी या माय ग्रुप क्या है। ठीक है, ये आपको मैं मुकम्मल करूँ फिर बताता हूँ। ये देखें, ये आपने इसको लिंक सेंड किया, अब इस लिंक को क्लिक करेंगे। ये लिंक कैसे बना, WA.ME/92, आगे ये नंबर जो मोबाइल नंबर था, 92 कंट्री कोड है, अगर किसी बाहर के मुल्क का होगा तो वो बाहर के मुल्क के कोड के साथ चलेगा। और इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जिसका ये नंबर मेरे पास तो सेव है, लेकिन मैंने इसे को पहले चैट नहीं की हुई, ये एम ज़ुबैर का मैसेज है, इसको आप नंबर है, इसको आप, मैंने सलाम, देखो भी आ गया, आपको आ गया ना। इसी तरह ही आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों के पास ये सेव हो जाए कि ये कितनी आसानी से आप, अच्छा अब आपके पास एक डेटा है, जैसे कि जस्ट इमेजिन करते हैं हम यहाँ पर, अच्छा ये मैं माय ग्रुप बता रहा था, ये मैंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है। मैंने मुख्तलिफ टास्किंग की होती है, एक वक्त में मुझे 10-15 काम करने होते हैं, तो मैंने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं अपने ही पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरा फार्मिंग का अलग से है, ये IT और इसके वाले से, आपका इस क्लास के वाले से अलग है, मेरे बिज़नेस के वाले से अलग है, फ्रेंड्स का अलग है, तो मैंने अपना ज़ाती एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं खुद को मैसेजेस पूरे दिन के भेजता रहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखें, वो जो भी टास्क होती है ना, मैं खुद को भेज देता हूँ, मुझे याद आ जाता है कि क्या बात करनी है, क्या मिनट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं उसको खुद को रिमाइंड करने के लिए, कल को मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि मैंने कहाँ लिखा था। अब इमेजिन करें कि आपके पास एक डाटा शीट आई है जिसपे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने उस डाटा शीट को ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है जी, इसको कॉपी करना है,
अभी अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये बेसिकली नंबर इस तरह थे पहले ये, ठीक है। इसको मैंने टाइप किया W, इसके साथ कोड लगाया और इसको मैंने खुद को ही यहाँ पे टाइप करके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसमें किया गया था, ये नंबर पहले इसके बगैर थे, ये डब्ल्यू ए के बगैर ऐसे नंबर था ये, ठीक है, इस तरह नंबर था ये। तो मैंने इन सब को वर्ड में जाके इसको पेस्ट किया, एक्सेल पे जाके पेस्ट किया, उसको ज़ीरो उठाया, उसकी जगह ये वाला कोड आपने यहाँ से ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दें। तो ये आपके इस तरह ही आपने हर एक के आगे ये पेस्ट कर देना है, जब आप दो तीन करेंगे तो नीचे आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब आपकी ये 100 लोगों की डाटा शीट बन गई, 100 लोगों की डाटा शीट, 50 लोगों की, 10 लोगों की। तो आपने ये शीट खुद को सेंड की, फिर इसको वन बाई वन क्लिक किया, इसको क्लिक करेंगे ये वहाँ पे खुल गया, ठीक है। इसी तरह ही फिर गए अगले पे, गए अगले को क्लिक किया, इसको मैसेज कर दिया, ठीक है। फिर अगले पे गए, ठीक है जी, फिर इस तरह इसको। तो आप क्या है कि इस तरह सबको आप वन बाई वन, आपको हर दफ़ा नंबर नहीं ढूंढना हर दफ़ा उसको, तो आप डायरेक्टली, लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी है एक दिन में, एक वक्त में, चाहे तो आप 30 40 50 से ऊपर नहीं करना, फिर आपने ब्रेक लेनी है, फिर थोड़ी देर बाद करें उसको। वो स्पैमिंग मतलब कि वो कहीं आपको ब्लॉक ना कर दे, इसको इफेक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है, समझ आ गई। ये हेल्पफुल था ये भी, ठीक है। इसी तरह आप अब क्या करना, क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था वो आपको गूगल को यूज़ जैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। अब आप गए मिसाल के तौर पे, आपको स्कूल्स का सर्च करना था कि स्कूल आपके पोटेंशियल क्लाइंट है। मैं इसलिए नाम ये ले रहा हूँ स्कूल या रेस्टोरेंट या पिज़्ज़ा, इसलिए नाम लेता हूँ कि कॉमन है। अब मैं आपको कोई आईटी का कॉल सेंटर बताऊँ या आपको कोई बताऊँ कि जी ये मेडिसिन की फैक्ट्री है, हो सकता है आपको इतनी जल्दी रिलेट ना हो, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको जल्दी से रिलेट कर जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर स्कूल लिखा, तो ये आपके मुख्तलिफ स्कूल के आपके नीचे कॉन्टैक्ट्स आ गए, ठीक है जी। तो आप इस तरह से इसको सर्च करते हैं, इनको आप यहाँ से आपने उठाया और इस तरह से कॉपी कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, सम टाइम किसी जगह पे आपका मोबाइल नंबर होंगे, किसी जगह पे नहीं होंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, अगर एक्सेल में करेंगे तो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ से आप इन लोगों के आप वन बाय वन इसको आप डिलीट कर दें, इनके नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे, मोबाइल नंबर लिखे होंगे तो मोबाइल के आ जाएंगे। और वैसे ही हमने जैसे बोला था कि जब आपने उनको उठाया, जैसे ये नंबर उठा लिया आपने यहाँ से, इसको कॉपी किया, इसको आपने अरेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, मिसाल दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपने इसको कॉपी किया, इधर आपने इसको आके कॉपी किया, इसको आपने इस तरह ही सबको उठाया वन बाय वन, और यहाँ पे एक लिस्ट बना ली 15-20 चीज़ों की, ठीक है जी। जैसे भी आप यहाँ पे उठाया और इसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपने उठा के कॉपी करने हैं। फिर आपने सिंपल यहाँ पे किया wa.me/92, इसी को आप उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, तो ये आपके इस तरह लिंक तैयार हो जाएंगे। इसको आप उठा के व्हाट्सएप में डालें या वो नोटपैड में डालें, वहाँ से आप लिंक बनता जाएगा और आपका ये चीज़ डाटा सेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई, एक हमने वीडियो पे कुछ काम कर लिया कि वीडियो कैसे आपने एडिट करनी है वहाँ पे जाके और उसके कौन से फ्यूचर सॉफ्टवेयर होंगे। फिर आपने कुछ हमने कुछ टूल्स, स्मार्ट टूल्स, स्मार्टली कैसे उसको हमने इस्तेमाल करना है उसके बारे में हमने कुछ स्टडी कर लिया। और फिर हमने अभी साथ हमने बात कर ली कि आपने व्हाट्सएप का कैसे इसको यूज़ करना है। अब हम आज कल वाली जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा था उसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूं, जो कि आगे चल के आपके काम आएगा। अब आपने ग्रेजुअली, अब हमारी एक चीज़ रह गई है, वो है हमारी कंटेंट राइटिंग। वो कंटेंट राइटिंग आपकी कल टेस्ट हो जाएगी। वो कैसे टेस्ट होगी
कि अभी तक जो भी आपने प्रोग्राम यहाँ पे देखा है, जो आपने 4-5 दिनों में सीखा है, अभी मैंने ये आपको दो टूल ना बताया होता, ये वाला, ये जो ये कौन सा वाला, उर्दू वाला और अंग्रेज़ी वाला और टेक्स्ट टू स्पीच और सब चीज़ें, तो ये आपके लिए काम अजाब पड़ जाता। तो उसको मैंने आसान करने के लिए कि आपको 1000 लफ्ज़ लिखते हुए मौत पड़ जाती है जी यार, 1000 लफ्ज़ कौन लिखेगा, 4 फिक्रे आधे घंटे का हमने समरी लिखनी है। अब आप कितनी देर में लिख सकेंगे इस सारे टॉपिक को? आपको मैं बोलूं कि जी 4-5 दिन का जो आपने सीखा है उसको अपने अल्फाज में बयान करें, चाहे उर्दू में करें, अंग्रेज़ी में करें, फारसी में करें, पश्तो में करें, जिसमें भी करें, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसको आप इंस्टॉल करें, उसमें आप बोलना शुरू कर दें, टाइप करना शुरू कर दें, और फिर किसी जगह पे जाके कहीं पे नहीं समझ आती उसको एडिट भी कर सकते हैं, बाद में उसको काट भी सकते हैं। तो आपने करना ये है कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग का कल टेस्ट होगा कि आपने 4-5 दिनों में जो भी कुछ सीखा है क्लास वाइज, कोशिश करना सेगमेंट वाइज करें। आप टूल आसान दे दिया ना, तो फिर तो आसान होना चाहिए ना, तो कल आप उसको कॉन्टेंट राइटिंग करके आएँ, ठीक है? तो अब आप बेसिकली आपने फिर 3-4 टूल्स पर काम कर लिया। पहले क्या किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे थोड़ा बहुत कर लिया, फिर वीडियो एडिटिंग पे कर लिया, फिर आपने कंटेंट राइटिंग पे भी कर लिया कुछ। मैंने आपको बेसिक इंट्रो सारा प्रोग्राम का दे दिया है। अब आपने अपनी फील्ड इंटरेस्ट की जो फील्ड है ना, उसका आपने माइंड मेकअप करना है, ताकि फिर होगा ये कि फिर आपको वाइड पढ़ाने के बजाय फिर आप स्पेसिफिक उसको स्टडी करेंगे, ताकि आप अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाएं। फिर हमारे इसके दो हिस्से होंगे टीम के कमिंग, जो मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, असल में ये चीज़ें स्कूलों में इस तरह नहीं बताई जाती हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, हफ्ता गुजारो ना इस तरह ही, 10 दिन गुजारो, 15 दिन गुजारो, तो फिर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से उस स्टेज पर आएँ जहाँ पर कि आप लोग थोड़ा शार्प हो जाएँ, तेज़ी से काम करें। तो हमें अगली स्टेज आएगी, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है आप लोगों को। बेसिकली सीखना सब ने है, लेकिन आगे चल के आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि आपके टूल सेट्स आपके कौन से हैं। दो हिस्से कौन से होंगे? अब एक हिस्सा होगा जो कि फ्यूचर में चल के दो स्किल्स आपके डेवलप होंगे इसी टीम के। एक होगा आपका मैनेजमेंट स्किल, जिसमें प्रोजेक्ट भी मैंने लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होगा उसमें, मार्केटिंग भी होगा उसमें, आपकी सेलिंग का फीचर्स भी होंगे। फिर उसके बाद हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा, यानी कि आप अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन बन रहे होंगे। कल को आपने जब एक इदारा चलाना है या आपने किसी इदारे में काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता कैसे। यानी कि एक है आपकी मैनेजमेंट साइड, मैनेजमेंट में मतलब जिसमें आपने मार्केटिंग भी उसमें शामिल होगी, जिसमें उसके अंदर आपकी सेलिंग भी शामिल होगी, आपने डेटा कैसे करना है, कम्युनिकेशन, आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो एक वो साइड होगी। दूसरा हमारी होगी क्रिएटिव साइड। अब आप लोग फैसला करेंगे कि आपने क्रिएटिव में रहना है सिर्फ और उधर नहीं जाना। वैसे तो मैं कहता हूँ दोनों का आप स्किल लें, सीखें ज़रूर, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन में मैं नहीं जाना चाहती, ठीक है मैं तो क्रिएटिव में रहूँगी, या मैं वीडियो एडिटिंग ही ठीक है मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, मैंने मैनेजमेंट में नहीं जाना, ठीक है? तो आप लोग फिर उसको फिर अपने स्किल को इन्हेंस करेंगे। जैसे कि सीख हम सब रहे होंगे, सब कुछ जो भी हम बात कर रहे होंगे सभी सीख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग उस पर स्पेशलिटी हासिल कर लेंगे। होगा ये कि हम एक महीने बाद एक टीम डेवलप कर लेंगे कि हमारे पास ये 5 लोग जो हैं ये ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, इनको ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग पे स्किल अपनी पॉलिश करनी है। ये 3-4 लोग वीडियो एडिटर्स बन गए हैं, ये 3-4 लोग हमारे कॉन्टेंट राइटर बन गए हैं, और ये 4-5 लोग हमारे मैनेजर्स बन गए हैं, ठीक है? अब सारे भी मैनेजर नहीं बन सकते, सारे भी डिज़ाइनर नहीं बन सकते, मकसद कहने का है कि वो काम आप सबको आता होगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी टास्किंग करनी है, ताकि हम एक इन्वायरमेंट बना सकें कि कल को आप में से जो होंगे लोग जो क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, वो क्लाइंट से कम्युनिकेट करके अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे, मार्केट करेंगे आपके इस पूरे जो प्रोजेक्ट को, ठीक है, आपकी पूरी इस एजेंसी को। ये फ्यूचर में एक आपकी एक एजेंसी बनेगी है, जिसने के जिसके पास काम आएगा और उस काम को आपने एग्जीक्यूट करना है। ये ट्रायल के लिए, बेसिकली ये डेमो होगा आप लोगों को बताने के लिए। यानी कि आज से पहले हमारी अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की अपनी एग्जिस्टिंग एजेंसी है मौजूद, जिसमें मैंने जिसको मैंने बताया कि उस एजेंसी के ज़रिए हम
ऑलरेडी 40-42 लाख रुपए सिर्फ फेसबुक को पेड एडवर्टाइजिंग की मद में दे चुके हैं। हाँ, इसमें एक मैंने रह जाएगा सब्जेक्ट रह गया, वो है पेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि जब आपके स्किल्स है ना, इसमें एक सेगमेंट आएगा पेड एडवर्टाइजिंग का, जो कि हमारा फेसबुक एड्स है या गूगल एड्स है, इसको भी, ये भी पूरा एक सेगमेंट है, ठीक है, उसको, इसके अंदर भी लोगों ने स्किल हासिल करनी है आप में से किसी ने, तो वो जब हम कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको मैं पूरा नए सिरे से एक एजेंसी बनाने का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एजेंसी मतलब कि एक क्रिएटिव का बिजनेस होता कैसे है, काम कैसे करता है, आपको पता होगा ना, तभी करेंगे आप कल को। मतलब ये कहने का, ये जो हम एजेंसी बना रहे हैं या जो ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसी में से आपको बना के मैं दिखाऊंगा, और फिर ये एजेंसी काम करके दिखाएगी, ये काम लेके भी आ रही होगी, ये काम कर भी रही होगी, ताकि कल को जब आपको खुद करना पड़ेगा, कल को हम 2-3 महीने बाद आपको कहेंगे जी ठीक है, अब आप लोगों ने सीख लिया है, अब आप जाएं और ख़ुद भी करें, ठीक है। तो आपको पता होगा ये हमने कैसे बनाया। तो पहला फेज क्या था हमारा, इसका हमारा एक फेज है जिसको हम कह रहे हैं, एक हमारा है मैनेजमेंट साइड, एक है मैनेजमेंट साइड, दूसरा है क्रिएटिव साइड, ठीक है। क्रिएटिव में क्या होगा, मैनेजमेंट में जब एक बंदा या एक मार्केटिंग मैनेजर या एक क्लाइंट मैनेजर क्लाइंट से कम्युनिकेशन करके जब काम लेके आएगा, तो वो क्रिएटिव वाले को आके देगा, भाई ये लें, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये उसका ब्रीफ है जो हमने बात की, इसने ये बताया, उसका ये नाम है, उसका कॉन्टैक्ट है, ये तफसील है, इसको हमने ये 3 दिन में ये आर्ट वर्क कम्प्लीट करके देना है। सो ये लोग ग्राफिक डिज़ाइनर भाई बहन ये इसको करके दें, ये वीडियो डिज़ाइनर वीडियो एडिटर भाई बहन ये आप करके दें, ये आप ग्राफिक्स के अंदर जो काम कर रही है, एनिमेशन में काम कर रही है वो कर रहा है वो दे, कंटेंट राइटिंग में कोई कर रहा है वो दे, इस तरह पेड ऐड का कोई कैंपेन है वो दे, और फिर उसको फिर क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, उसको अप्रूव करवाना, वो फिर अगेन वापस उधर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये ड्रिल हमारी, हम इसको करेंगे ताकि आपको कल को पता होगा ये हो कैसे रहा है, और उसके लिए क्या है, हम कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से भी लोगों को आपको मिलवाएंगे, जो कि ऑलरेडी लोग बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और कैसे वो काम कर रहे हैं, और सब लोग जब आप बैठे हुए ना, जिस तरह, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं है, मुझे लग रहा है कोई सीरियस हो गए आप लोग, सब लोगों ने कहीं ना कहीं से शुरू करना होता है, वो सीखने का एक एंगल होता है, सीख लिया आपने, उसके बाद सीखने के बाद फिर आप चलते हैं, फिर उसको काम करते हैं, पहले किसी के पास काम करते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, कुछ साल काम करते हैं, फिर आप अपने प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ इसके ऊपर आपने काम छोड़ना नहीं है, वो क्या था, अपनी प्रोफाइलिंग आपने करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जैसे कल मेरे पास कोई 5-6 आर्टवर्क आए थे, आज मुझे लगता है 10-12 लोगों ने अपने लोगोज आर्टवर्क बना लिए हैं। किस किस ने बना लिया अपना विजिटिंग कार्ड? अच्छा, अभी जिसने नहीं बनाया उसकी क्या रीजन है? काफी से लोगों ने बना लिया, 3-4-5 लोग ही रह गए। आज आप लोग लाजमी जाके, विजिटिंग कार्ड तो कोई काम नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप खोलेंगे और टाइप करेंगे और उसमें डाल दें आप उसके अंदर, वो भी आप किसी को दे तो नहीं रहे हो ना, अपने पास ही है आपका वो, ठीक है जी। तो विजिटिंग कार्ड लाजमी बनाना है, लोगो भी आपने लाजमी क्रिएट करना है, क्योंकि कल परसों हम वेबसाइट पर भी काम करेंगे कि वेबसाइट कैसे ऑपरेट होती है, वेबसाइट होती क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये भी पता ना हो कि वेबसाइट क्या होती है, बैकएंड वेबसाइट होता क्या है, ठीक है। फिर हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे SEO के ऊपर, SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये ना कई दफ़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बड़ा गुब्बारा सा बना के दिखाते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं एलिमेंट से। क्या एलिमेंट है? आपने जो लिखा, मिसाल के तौर पे जब आप कल कुछ लिख के लाएंगे, आपकी टास्क मैंने दी ना आपको, क्या टास्क दी? आज तक जितने आपने 4-5-6 लेक्चर अटेंड किए हैं, उन सब को हेडिंग बनानी है आपने, और उसके बारे में हर एक टॉपिक के बारे में आपने एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये जब आप लिखेंगे, तो ये तकरीबन अगर आप इसको एक एक पैराग्राफ भी करें, तो अगर 5 पैराग्राफ हों तो कितने वर्ड बन जाएंगे? तकरीबन 500,000 वर्ड आराम से बन जाएंगे। अब जब ये 1,000, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्या होगा, जब आपके ये 1,000 वर्ड बन जाएंगे, और ये 30 बंदे या 32 बंदे जब ये वर्ड लिखेंगे, उसमें आपने मेंशन करना है कीवर्ड, कीवर्ड उसमें क्या है,
सबसे पहला कीवर्ड है लोकल डिजिटल सेंटर, ठीक है, दिस इज लोकेटेड ऑन अडियाला रोड रावलपिंडी, ये बेसिक कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अगर चाहें तो मेरा नाम भी मेंशन कर दें उसके अंदर। अच्छा क्या होगा, अब क्या होता है जब आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर, फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, फिर आपने आपका फ्रीलांसिंग आ गया, ये सारे चीज़ें कीवर्ड यूज़ करेंगे, होगा क्या कि आपने 35 जब पैराग्राफ लिखे, अब ये 35 पैराग्राफ 35 प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड हुए, बस और बारीक बारीक बात है, समझ आ रही है। आपने ये 35 पैराग्राफ लिखे और इस पैराग्राफ को आपने अपलोड किया, चाहे वो आपने गूगल पे अपलोड किया, गूगल मैप्स पे आपने इसको अपलोड किया, फेसबुक पे, कल को आपने फेसबुक व्हाट्स जो आपने एक वीडियो बनाई है आपने बनाते हैं चल के यूट्यूब की, उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, या आपने आपने इंस्टाग्राम की किसी पोस्ट में लिखा, आपने वेबसाइट के ऊपर लिखा, या आपने किसी भी आर्टिकल में इसको पब्लिश कर दिया, किसी भी क्लासिफाइड साइट के ऊपर आपने इसको पब्लिश कर दिया, ये 35 जो पैराग्राफ हैं इसमें जो कीवर्ड होगा और ये सब जगहों पे होगा, ये बेसिकली इसको कहते हैं लोकल SEO, बिल्कुल मतलब SEO की एक टर्म है, लोकल SEO का एक बिल्कुल पार्ट है। SEO तो बहुत बड़ी चीज़ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ये कंटेंट। जब आप लिखते हैं ना ये कंटेंट सारा, तो क्या होगा कि कल को कोई बंदा इंटरनेट पे जाके सर्च करेगा तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि उसको 100 में से एक इन्फॉर्मेशन इस हवाले से मिल जाएगी, ठीक है जी। तो कल का आपका ये प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये चीज़ें, इसको छोड़ना नहीं है, इसको आपने रोज़ाना, आज भी हम इस पर, मैं 5 मिनट लेता हूँ कि हमने गूगल मैप्स को भी मैंने बताया आपको डेमो करके कि गूगल मैप्स से कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है डाटा को। फिर ऐसे साइट्स हैं जो कि आप जहाँ पे जाके आपने स्टडी भी करना है, वो मैं आपको कल कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में आपको तारुफ करवाऊँगा, अगर कहते हैं तो मैं भी तारुफ करवा दूँ, ये फाइवर अपवर्क इनके बारे में आज करवा दें या कल करें, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चले बेहतर है, कुछ 2-3 आवाज़ें आई हैं लगता है, लोगों जल्दी से जाना है तो इसलिए कल देखेंगे इसको। तो कहने का मतलब आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हो, अब इसकी तस्वीर ले लें, नाम लिख लें बेशक, फाइवर फ्रीलांसर अपवर्क वर्क चेस्ट पीपल पर आवर, ठीक है, एटसी ईबे, यहाँ पे जो लोग भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं उनको भी स्टडी करें, जो ये डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो उसको स्टडी करें, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा साथ ही साथ आपने डाटा ऑर्गेनाइज करते जाना है। डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करना था, हमने अपने कनेक्शंस, अपने जाती कनेक्शंस, अपने दोस्त भाई भांजे, सबसे पहले आप घर से शुरू करें कि आपके वाले साहब क्या काम करते हैं, आपके भाई क्या काम करते हैं, आपकी मदर कोई प्रोफेशनल हैं या उनके अपने कनेक्शंस हैं। आप आज डायरी पे नोट करें कनेक्शंस को, लिखना शुरू करें, अपने मामू चाचू फूफा ताया दादा दादी जो भी आपके कनेक्शंस हैं उनको लिखें। देखें एक बंदा जिसने के आपके दादा अबू हैं मिसाल के तौर पे, या आपकी नानी अम्मा है, नाना अबू हैं, चाचू हैं, फूफा हैं, कोई भी हैं, अगर वो और कुछ नहीं तो आप अपने इर्द गिर्द से कनेक्शन इकट्ठे करना शुरू कर दें। तो कोशिश ये करनी है कि किसी बंदे के भी 300 से कम कनेक्शंस ना हो, वो ढूंढ, अगर वो इमीडिएटली आप फैमिली में कनेक्शन नहीं है तो फिर आप बाहर से ढूंढें। वो क्या है, वो कभी हफ्ते में एक दफ़ा धमा मोड़ तो जाओगे ही ना, कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी कलेक्ट करोगे तो 10-12 दुकानों के नाम ही लिख के ले आओगे, ये दुकानें हैं जी। अब डायरी ये रखें, डायरी पे लिखें ये काम, तो क्या होगा, और फिर मज़ीद सर्च करना है तो इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कनेक्शन बनाएं, उसको सेव करें। एक ड्रिल मैं अक्सर करवाता हूँ, पता नहीं आप लोगों को आदत है या नहीं है, अगर आदत डाल लो तो बड़ा अच्छा होगा। डालोगे आदत, ये है न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हमारे साथ पिछले कोई 24 साल से लगातार आ रहा है, ठीक है। अब आपकी अगर मौका मिले तो यहाँ पे संडे को मिल जाया करेगा, यहाँ पे आप पढ़ लिया करो संडे को आके, नहीं तो कोशिश करें कि जिनके पास अखबार आता है उसको पढ़ना शुरू करें। अखबार में आपने क्या पढ़ना है, आपने खबरें नहीं पढ़नी, आपने इश्तिहार पढ़ने हैं। अखबार में 80% इश्तिहार ही होते हैं, ठीक है।
ये सब इश्तिहार लगे हुए हैं, ये प्रॉपर्टी के इश्तिहार, गाड़ियों के इश्तिहार, ये अंदर इश्तिहार, क्लासिफाइड इश्तिहार, रिश्ते के इश्तिहार, ये इश्तिहार सारे पढ़ने हैं आपने, ठीक है। ये एड्स, ये भी आपके जो इश्तिहार हैं सारे, ये सब देखें, इतने इश्तिहार नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह टीवी पे जो इश्तिहार आते हैं उनको भी देखें आप, गौर से देखें। आज से क्या एक ड्रिल है आपकी, इश्तिहार देखने हैं आपने, ठीक है। ड्रामे नहीं देखने, इश्तिहार देखने हैं। अच्छा, इश्तिहार देखने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपके पास लीड्स आती हैं। हम जब, वैसे तो आज भी छोटे ही हैं, जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, हम सुबह सबसे पहला काम करते थे कि अखबार खोलते थे और उसमें से पूरे 1, 2, 3, 4 अखबारों को खोल के उसको देखते थे कि क्या इसमें नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, ये अखबार, यही अखबार आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप खोलें jung.com.pk, don.com.pk, express.com.pk, ये सारे पूरे पाकिस्तान के अखबार आपको, तो अखबार पढ़ने की आदत डालें। इसलिए नहीं कि खबर पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कि इश्तिहार देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इश्तिहार आपको ताज़े मिलेंगे। अभी मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इश्तिहार आ रहा है, ये लिखा हुआ है नेवर इनकरेज, ये प्रॉपर्टी के इश्तिहार हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे चलें तो ये मुख्तलिफ लोग, कुछ कोई घर बेच रहा है, कोई फार्म बेच रहा है। यहाँ चलें तो लोग अपने गाड़ियाँ बेच रहे हैं और मुख्तलिफ अपनी, किसी को वहाँ पर एक जॉब चाहिए, किसी को कोई बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, किसी को यहाँ पर क्या है नीचे रोज़गार का चाहिए, कोई अपना कारोबार बेच रहा है, ठीक है। तो क्या करें कि इन लोगों को, ये जो बंदा भी इश्तिहार दे रहा है, जिस पे अखबार में इश्तिहार दे रहा है, वो आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। उसको क्या चाहिए हो सकता है, कैसे, मिसाल के तौर पर ये बंदे ने इश्तिहार दिया है, ये एक बंदा गाड़ी बेच रहा है, ठीक है जी, टोयोटा करोला बेच रहा है, 40 लाख रुपये की गाड़ी है। तो 40 लाख रुपये कहीं से कमाया होगा तो बेच रहा है ना, तो वो पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है आपका। इसी तरह ही अगर किसी बंदे ने यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी का सेल का लगाया है, तो उसका नंबर दीजिए, दिया हुआ है उसने, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है। आप इस तरह से भी, अगर जिस दिन मुझे डाटा कहीं से, सबसे आसान डाटा कलेक्ट करने का सोर्स ये है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप आसानी से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप जाएँ ओलेक्स पर, जाएँ दराज पर, जाएँ अगर आप अपने करीब तरीन का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। ये बात, इसको हल्का नहीं लेना, ये बात मैंने हंसी में कही है, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती बात है ये, ठीक है। ये सीखने के लिए, सीखने वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, कि अगर आप गूगल पे भी जाएंगे, आप ओलेक्स लिखें, ओलेक्स अड्याला रोड लिख दें, या वैसे ही आप फेसबुक पे जाके अड्याला रोड लिखें, तो अड्याला रोड के आगे आगे पीछे जो भी ऐसे इश्तिहार जिन्होंने लगाए होंगे, जिन्होंने पोस्ट लगाई होगी, वो भी आ जाएगा। ये याद रखें कि जिस बंदे ने भी इश्तिहार दिया हुआ है, देखें, अगर लोग 100 लोग काम कर रहे हैं ना, 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 में से ना एडवर्टाइज़ करने की सेंस 20% लोगों को भी नहीं होती। लोग दुकान खोलते हैं, शटर ऊपर करके बाहर बैठ जाते हैं, कोई बंदा, कितने लोग हैं जो कि एडवर्टाइज़ करते हैं प्रॉपरली, बस बैनर एक लगा देना, एडवर्टाइज नहीं है कि एक दो बैनर लगा दिए, बस एक दो लोगों को बता दिया, वो लीफलेट फेंक दिए, ख़त्म हो गया। ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग का आपको मैं सिखा रहा हूँ एक लेसन है, कि जो भी बंदा ये चाहता है कि उसका कारोबार बढ़े, मतलब आपको एक सवाल पेश आएगा ना फ्यूचर में चल के, आप लोग जो जाएंगे, जब क्लाइंट आपके पास आएगा, या आप किसी को कहते हैं जी कि आप एडवर्टाइज़ क्यों नहीं करते, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आयान, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आके बैठो, तो लोग कहते हैं जी कि हम इश्तिहार पे पैसे क्यों लगाएं, ये खर्चा हम क्यों करें। कल मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, उसका लैपटॉप्स का काम था, कंप्यूटर का काम था, मैं उससे कुछ हार्डवेयर ठीक करवाने गया, तो उसको मैंने आज से ना कोई 4 साल पहले उसको मैंने कहा कि यार आप ना गूगल एड्स पे इश्तिहार लगाओ, तो आपका काम दोनों ठंडा था, तो वो सोच रहा था कि मैं अपनी दुकान बंद करके मोबाइलों की दुकान खोल लूँ, क्योंकि काम कोई नहीं है, कम है। तो मैंने कहा यार देखो, यहाँ पे पूरी मार्केट है, 500 दुकानें हैं, तो कितने लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, तो जो करेगा वो क्या है, उसको फ़ायदा होगा, उसका ऐड नज़र आएगा तो उसको लीड मिलेगी। अगर सारे लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे होंगे ना, तो फिर तो कम चांस होता है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो, उसको मैंने कहा कि ये लगाओ यार, इसको इश्तिहार लगाया करो। उसको किसी ने कहा कि, साथ एक बंदा बैठा हुआ था, कि यार भाई ऐसा है कि कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा हफ्ते के 1500 रुपये लगा लो,
तो साथ वाला कहता है और मैं जी हफ्ते जी 1500 दी आम दी पेटी क्यों ना ले जाया करा, इश्तिहार लाने की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा उसको मेरी बात समझ आ गई, उसने एड्स लगाना शुरू किया हफ्ते में, वो वही बात है महीने का, उसने 3,500 रुपये के ऐड लगाना शुरू किया। अभी पता है कल मैं उसके पास बैठा ना, तो मैं उठा ना तो साथ वाली दुकान वाला बाहर निकला ना, कहता है वो इधर इधर गर्ल्स इधर वो आए नहीं, दोस्त आए नहीं जिन्होंने जिसको तुमने ताना दिया था। तो कहता है कि मैं पिछले 3 साल से कहता है मैं रोज़ फ्रूट की पेटी कार लेके जाना, वो ये कहता है कि मैंने एडवर्टाइज़ किया। देखिए वो कहाँ पे उसकी दुकान बंद हो रही थी, ये रियल स्टोरी बना रहा हूँ, आपको बताऊँगा किसी वक्त, इंडस कंप्यूटर के नाम से एक बंदा है। तो उसने कहा है कि जी अब मैं रोज़ मेरा काम इतना बढ़ गया है कि अगर मैं महीने के 3,000 या 1500 रुपया जो है ना ऐड लगा रहा हूँ, तो मैं रोज़ 1500-2000 एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, तो मैं रोज़ आजकल फ्रूट की पेटी लेके जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब आपको लोग ये कहेंगे जी क्यों हम इश्तिहार क्यों लगाएं, हम तो चलो बैठे हुए हैं जी, अच्छा बैठे हुए हो तो कल को बैठे बैठे दूसरा बंदा आएगा, कंपटीटर आएगा, तो अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है किराए दुकानों के किराए बढ़ जाते हैं, जगह खाली हो जाती हैं, एक बंदे ने जगह ली तो लेने के बाद साल बैठा 2 साल बैठा, खैर बंद कर दे, तो साल 2 साल बैठे वो दुकान खाली करा दी। अगर उसने प्रॉपरली अपना ब्रांड डेवलप किया होता, एडवर्टाइजिंग की होती, तो दुकान जाने के बाद भी कस्टमर उसके पास रहते। लोगों को आदत है कि लोग नंबर भी नहीं लिखते कस्टमर का ना, आते हैं कस्टमर, दिन उनको 200 कस्टमर आ रहा है, आके पूछ के चला गया। मैं इसको कहता हूँ कि यार जो बंदा भी आपकी दुकान में एंटर हो जाए ना, उसका नंबर ज़रूर लिखें, उसको कल को दूसरे तीसरे दिन जाके उनको सलाम लिखें, मैसेज करें, व्हाट्सएप तो मुफ्त है, ठीक है, आप उसको मैसेज लिखें थैंक यू फॉर कमिंग, आप आए थे, अगर फ्यूचर में कोई मेरे लायक खिदमत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अब क्या होगा अगर रोज़ 100 बंदा दुकान पे चढ़ रहा है उसकी, और उसने डाटा उसका रखा, तो महीने में कितने बंदे हो गए, 3,000, साल में कितने हुए, 36,000, ठीक है। अब अगर कोई बंदा सिर्फ 36,000 लोगों का उसके पास एक्यूरेट डेटाबेस है, उसके पास उसके नंबर्स हैं, उस पर उसका आप तारुफ है, तो ऐसा हो सकता है उन 36,000 में से रोज़ कोई बंदा आके उससे ख़रीदारी ना करे, नहीं हो सकता ना, और कल को उसकी दुकान भी वहाँ से बंद हो जाती है, लेकिन वो 36,000 बंदा उसके साथ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर एक दर्जी यहाँ बैठा हुआ था, उसने आपस में नंबर एक्सचेंज नहीं किए, नंबर एक्सचेंज किए लेकिन सेव नहीं किए, सेव किए तो वो छोटे जो छोटे से फ़ोन में किए जिसमें 100-200 बंदे कॉन्टैक्ट आते हैं, तो क्या होगा कल को दर्जी साहब यहाँ से उठ के तीसरी गली में जाएंगे तो कोई बंदा उनको बताएगा कि वो भाई उधर रहता है, चलो बता भी देगा, कोई यहाँ से गाहक जाएगा उसके पास, अगर उसका फ़ोन नंबर उसके पास होगा, ये डिजिटल है, ये डिजिटल की पावर है। अगर उसने साल में 10 बंदे रोज़ाना 10 बंदे अटेंड किए हों, महीने में 300 बंदा अटेंड किया हो, साल का 3,600 बंदा अटेंड किया हो, 3,600 बंदों का उसके पास डाटा बेस हो, वो उनको वैसे ही रोज़ दूसरे चौथे पांचवें दिन बाजी ये नवा डिज़ाइन आया है तो सिया अलग अलग कपड़े सवा लो, ठीक है सेल लगी है जरा रेट मुनासिब हो गया, तो क्या होगा आप उसको इंगेज कर लेंगे। तो एडवर्टाइजिंग ये खर्चा नहीं है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है जिस जो के मल्टीप्लाई होके वापस आती है। अगर आप 10 रुपये तमाम बड़ी कंपनियां जितनी कंपनीज हैं, आपको पता है पेप्सी कोला को एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, कोका कोला को ज़रूरत है, लिप्टन को ज़रूरत है, नहीं है ना, लेकिन आज वो इश्तिहार देना बंद कर दें, साल तक ना दें, 2 साल तक ना दें, क्या होगा लोग भूल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा उनका काम अब होगा क्या, जो उनकी जगह ले लेगा, जो उसका स्पेस क्रिएट करेगा। मैंने आपको बताया था आपको लगता ये है छोटी छोटी चीज़ें, महंगी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, छोटी चीज़ें, आपको लगता है कि ये साबुन जो आप ख़रीदते हो 25-30 रुपए का लक्स साबुन, ठीक है ना, ये कितना साबुन बिकता होगा पाकिस्तान में, साल का अरबों रुपये का बिकता है, बिलियंस का बिकता है, ठीक है, करोड़ों में नहीं। ये जो तमाम छोटी छोटी कंपनियां हैं, सर्फ वाली, साबुन वाली, पत्ती वाली, चीनी वाली, चीनी तो मिलें होती हैं, मकसद कहने का ये सब कंपनियां, अगर आप टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां, अब इतनी बड़े बड़े इश्तिहार कैसे देती हैं, इन लोगों ने अपने टोटल रेवेन्यू का एक मुख्तस किया हुआ है कि अगर वो 100 रुपया कमा रही हैं तो 100 में से 15-20 रुपये वो एडवर्टाइजिंग पर लगा रहे हैं, ताकि वो जितना एडवर्टाइजिंग सही एडवर्टाइजिंग पे खर्च करेंगे उतने पैसे उनको
वापस आएंगे। एडवर्टाइजिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्रोडक्शन भी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोडक्शन भी, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले बात की थी कि प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए तभी एडवर्टाइजिंग अच्छी होगी ना, आप उसको क्रिएट करके ले आएंगे। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है आपने, क्या कि हमने अपना डाटा अरेंज रखना है, आज से अरेंज करना शुरू करें, कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू करें। उनको मैंने आपको बता दिया सर्च कैसे करना है, सर्च करने के बाद उसको नोट कैसे करना है। अपने पास पेपर पर नहीं लिख सकते, व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज कर दें ताकि क्या हो, आपको कल को ढूंढना ना पड़े वो चीज़। ठीक है जी, अब मुझे आज लाजमी मुझे 5 क्वेश्चन चाहिए आप लोगों से, 5 क्वेश्चंस। कुछ इन्फॉर्मेटिव था आज का कुछ या बोरिंग था? हाँ जी बताएं। जब ऐसी सूरत हाल हो ना तो कह देते हैं सर आपने, अगर सवाल नहीं आ रहा सर आपने सारी बातें ऐसी कर दी, सवाल की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो चलो मुझे भी खुशी हो जाएगी। जी बोर्ड यूजुअली गूगल के ऊपर यूज़ होता है, मोबाइल के ऊपर आमतौर पे ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये शौक होता है, वो मुख्तलिफ स्विफ्ट की और आगे पीछे बड़े रंगीन रंगीन कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो मुख्तलिफ फांटों वाले, फूलों फूलों वाले, वो वाला नहीं है। जी बोर्ड जिसने प्रोफेशनल यूज़ करना है तो वो जी बोर्ड यूज़ करेगा, उसमें ये सारे फीचर्स हैं। वो अच्छा, जो कीबोर्ड होता है ना उसमें एड्स भी आते हैं, गूगल वाले कीबोर्ड में ऐड नहीं आते। ठीक है ना, तो आपका एग्जैक्ट वो जो मकसद है ना जिसके लिए आपने बनाया है वो हल करता है। तो जी बोर्ड मोबाइल फ़ोन पर यूज़ चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसको जाके किसी एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस पे करना चाहें, आजकल वैसे लैपटॉप पे भी एंड्रॉयड सिस्टम लग जाते हैं, लैपटॉप पे भी लग जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको ज़्यादा उसमें मुश्किल पेश आए तो वो हमारी सीरी भी है, सीरी आंटी सीरी है, और एक और कौन है, ओके गूगल, गूगल असिस्टेंट। अगर आप ये गूगल खोले ना फ़ोन पे, लैपटॉप पे, तो गूगल असिस्टेंट से भी आप बातें करके यही सवाल जो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, वो हमारा एक दोस्त है, वो गूगल को ना मुसलमान करने के चक्कर में उससे सवाल जवाब करता रहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे हैं, ऐसी बेशुमार ऐप्स हैं और यकीनन ऐसी ऐप मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिग करके ना ऐसी रोज़ाना, देखो जब आप उस में चले जाओगे ना, जो बंदा कंटेंट राइटिंग में चला जाएगा वो फिर इस तरह की ऐप को स्क्रॉल करेगा, जो बंदा क्रिएटिव में चला जाएगा वो क्रिएटिव के अंदर मज़ीद, उसमें तो समंदर है ना। अब एक बंदा सिर्फ क्रिएटिव के अंदर ही, जो क्रिएटिव मतलब के जो लिखने पढ़ने का काम है, टाइपिंग का काम है, टाइपिंग मतलब वो जो टाइपिंग तो मैंने निकाल दी वैसे आपकी इसमें से, मकसद कहने का कि वो जो अगले को तो यही बताना है बड़ा मुश्किल करके मैं टाइप कर रही हूँ, उफ एक एक लफ्ज़ टाइप होता है जी, को 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, उसी के तो हम पैसे ले रहे हैं आपसे, उनको तो नहीं बताएंगे ना मैंने ऐसे किया, मैंने फ़ोन पे खोला और मैंने लिख के दे दिया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। जैसे कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, मानो कहते हैं बड़ा आज पढ़ के आए हैं बहुत ज़्यादा, आज स्कूल गए हैं, बड़ा मुश्किल है पढ़ाई, बड़ी मुश्किल है। ठीक है जी, समझ आइए। तो ये तो आप जब देखें, जिसका प्रोफेशनल हो जाता है ना, जब उसको काम फन लगना शुरू हो जाता है, फिर वो इन्जॉय करता है। जिस वक्त आपको लगे ना कि ये काम मेरे पे बोझ है, कंधे पे लादा हुआ है, तो सोचें यार कुछ मतलब ये, हाँ लेकिन जो लादा हुआ काम भी है ना वो भी आप अगर उसमें भी कोई फ़न ढूंढ लेते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे, मुझे ज़ाती तौर पे ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है पर्सनली, लेकिन मैं साल पूरे में इतना ट्रैवल करता हूँ पिछले 10-15-20 सालों में कि हो सकता है कोई, मतलब पाकिस्तान में शायद 1% लोग भी इतना ट्रैवल नहीं करते होंगे। तो हम करते ये हैं कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से अभी जाना है, हमने 1 go में कराची चले जाते हैं, मतलब हमारे महीने में ऐसा होता है कि कई दफ़ा, एक दफ़ा दो दफ़ा बाई रोड जाना पड़ता है। तो हम करते ये हैं कि यहाँ से निकले, अभी सुबह निकले 6 बजे, और हमारा रात का जो मुकाम है रुकने का वो कराची है या हैदराबाद में, हमने रात को 10 बजे पहुँचना है। तो ये 12-14-16 घंटे की ड्राइव होती है, कभी 18 घंटे की ड्राइव होती है। तो हम ये नहीं सोचते कि हमने यहाँ से कराची जाना है, तो हम एक एक दो दो घंटे के बारे में सोचते हैं कि यहाँ से निकले हैं जी, अभी हमने ना चक्री पे चाय पीनी है, कलर कहार में कुछ छोटे मोटे पकौड़े शकोड़े खा लेंगे, भेरा पहुँचेंगे तो दोपहर का कोई स्नैक ले लेंगे,
फैसलाबाद से गुजरेंगे तो वहाँ पे कोई फ्रूट शूट ले लेंगे, कुछ चाय वाय पी लेंगे, वहाँ पे बाहर निकलेंगे, और मुल्तान में पहुँच के हम जनाब कोई वहाँ से छोटा मोटा हलवा शलवा ले लेंगे। तो ये करते 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 हम हर दो घंटे के स्टॉप के बाद हमें लगता है कि हमने यहाँ से कराची नहीं जाना, हम तो यहाँ से जा रहे हैं अगले दो घंटे में। और एक और इंटरेस्टिंग बताऊँ बात जर्नी के हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र ही है ना सारा। हमेशा याद रखें ये बात, इन्वर्टेड कामों में दिमाग में नोट कर लें कि आपका सफ़र है यहाँ से, मिसाल के तौर पे आपने जाना है यहाँ से सदर, आपको नज़र आ रहा है सदर, तो आप बेसिकली आपके माइंड में तो है सदर कि आप जाना है आपने, इसको मैं कहता हूँ कि एक चीज़ है जो कि माइंड में क्रिएट होती है, लेकिन आपको नज़र कहाँ तक आ रहा है, वो सामने तक, पीछे देखें ज़रा, उस दुकान से आगे नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा ना, फिर यहाँ से मुड़ेंगे तो फिर कितना नज़र आएगा, उतना ही, उधर से बाहर निकलेंगे तो इतना ही। तो बेसिकली हम 100 मीटर 200 मीटर, हद निगाह बहुत साफ हो मोटरवे पे हो तो 500 मीटर 1 किलोमीटर नज़र आता है आपको। तो जो बंदा जिसके दिमाग, अब एक बंदा कहता है मैं सदर जा रहा हूँ, आँखें बंद करके सदर जाना शुरू कर, जा सकता है? तो आँखें खोल के चलनी पड़ेंगी ना, और उसको हद निगाह पे नज़र आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा छोटे छोटे, एक है आपका गोल कि आपने अगले 5 साल में 10 साल में कहाँ पहुँचना है, जो भी आपने बैरियर सेट किया है वो पहुँचना है। उसके लिए फिर आज आपको ख्वाब देखने के बाद आँख भी खोलनी है ना, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है हमें, ठीक है, फिर वहाँ से हमने राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, और फिर हमें सिर्फ ये हैं छोटे छोटे स्टेप्स। इसलिए इस पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारा असाइनमेंट होगी आपको, आपको लग रहा होगा कि जी असीं 5,000 किस तरह कमावांगे, उफ अली तो लग नज़र ही नहीं आ रहा है पैसे कमाने का सीन। तो अच्छा 5,000 मुश्किल लग रहे होंगे, किस किस को 5,000 मुश्किल लग रहा है इस वक्त, हाथ खड़ा कर दें मुझे, 5,000 किस किस को लग रहा है बताएं ना, हाथ खड़ा करें, जिसको जिसको नहीं लग रहा है उसको मैं भी असाइनमेंट देता हूँ कल, फिर कमा के लाए। मुश्किल लग रहा है ना? अच्छा अभी आके बोलूँ कि 100 रुपया किसको मुश्किल लग रहा है, 100 रुपया चले, 100 रुपया किसको आसान लग रहा है, किस किस को 100 रुपया कमाना आसान लग रहा है, नहीं आसान लग रहा है, 100 रुपये भी नहीं लग रहा आसान। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ बात, कि जिस दिन आपने 100 रुपया कमाना सीख लिया ना, पहला 100 रुपया, जिस दिन आपने पहला 100 रुपया कमाना सीख लिया, आप 1,000 भी कमाने लग जाएंगे, आपके पास वो चाबी आ जाएगी कि 100 रुपये किस तरह कमाया था, उसी चाबी को ज़रा ज़्यादा मरोड़ेंगे तो 200 होगा, थोड़ा और स्किल को इन्हेंस करेंगे तो 500 होगा। तो पहली, अगर मैं कहूँ ना कि मेरी पहली सक्सेस क्या होगी, हमारे इस सेंटर की पहली सक्सेस क्या है, आप में से 99% लोगों ने 100 रुपये नहीं कमाया आज तक, नहीं कमाया होगा ना, कमाया भी है तो वो देखा देखी उसको अपने सारे स्किल के साथ नहीं कमाया, ठीक है ना। तो क्या होगा जब आप पहला 100 रुपये कमाएंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, मिलेगा। तो जिस दिन आपको पहला 100 रुपये कमाना आ गया, मुश्किल काम तो नहीं है ना 100 रुपये कमाना, है मुश्किल है, क्यों भाई 100 रुपये है मुश्किल लगता है, 100 रुपये कमाना मुश्किल है, पहला 100 तो मुश्किल अभी लग रहा है ना, लेकिन मुश्किल काम है 100 रुपये कमाना, सोचें तो सही ना। इतनी हमने यार 4 दिन हमने की है, कहते हैं वो, अब अभी अभी मिसाल के तौर पे एक मैं टेस्ट मिसाल दे रहा हूँ, अभी जितना आपने सीख लिया है ना, अभी अभी दूँ असाइनमेंट या बाद में दूँ किसी वक्त? अच्छा असाइनमेंट लंबी है, चले 3 दिन की असाइनमेंट है, 3 दिन की असाइनमेंट है, वो ये है कि आज क्या दिन है, मंडे तक का टाइम है आपके पास, मंडे तक आपने कमाना नहीं है 100 रुपया, आपने सिर्फ ये सोचना है कि अभी तक आपने जो सीखा है मैं इसमें से 100 रुपये का किसको बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ। आपने क्या सीखा, आपने विजिटिंग कार्ड बनाना सीख लिया, आपने लोगो बनाना सीख लिया, आपने वीडियो बनाना सीख ली, आपने और क्या, आपने फेसबुक बनाना तो आता ही है, वैसे भी फेसबुक प्रोफाइल आता है ना, और जीमेल अकाउंट किसी का नहीं है उसको बनाना भी आता है आपको, और क्या आता है आपको,
व्हाट्सएप बिजनेस कैसे इंस्टॉल होता है वो भी पता चलेगा आपको। अच्छा, कंटेंट राइटिंग भी आ गई। अभी मिसाल के तौर पे और सारे वो पठान के पास ना चले जाना। कहने का मतलब है कि आप इमेजिन करें इस मार्केट में जो 15-20 दुकानें हैं, ये सब चीज़ें किसकी हैं? हैं किसी की? है किसी की? इवन ये साथ हर गली मोहल्ले में ट्यूशन सेंटर खुला हुआ है, क्या ये सारा कुछ बना हुआ है उनका? अच्छा, वेबसाइट भी मैं आपको दो दिन में, क्योंकि जब तक ये आप करेंगे ना तो वेबसाइट भी बनानी मैं सिखा दूंगा। तो आप उसको जाके कहेंगे जस्ट इमेजिन करें, अभी आपने कहना नहीं है क्योंकि आपने अपना स्किल ज़ाया नहीं करना। अभी आपने सिर्फ उन लोगों को, जिन लोगों की आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी है, हो जाएगी मंडे तक, उनको जाके आपने ना जो आपने विजिटिंग कार्ड बनाया होगा ना उसको बताना है कि जी मैं ना ये चीज़ें सीख रहा हूँ आजकल और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से आती हैं। बस उसको नहीं कहना मैं आपको, ठीक है? आपने उनको बता देना है। अच्छा, आपने अपने चाची को भी बता देना है, अपने मामू को भी बता देना है, अपने फूफा को भी बता देना है, अपने मतलब जो भी आपके हमसाए हैं दाएं बाएं सारे जितने लोगों को बता दें कि हम पैदा हो गए हैं डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बस इतना काम करना है। फिर 2-3-4 दिन बाद मुलाकात होगी, ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है? 2-3-4 दिन बाद मुलाकात होगी। ओहो, मुझे तो अभी और ज़्यादा आ गया, मैं तो चीता हो गया हूँ, चीती हो गई हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये अब ये क्या है, ये बिल्ड हो रही है। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि मुरव्वत में ही ना 4-5 बंदे कहेंगे यार मेरा ही बना दो। बात समझ आई? अब इमेजिन करें, अब आपकी अपनी गलियों में कितने ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, कितने दूध वाला अब ये ना दूध वाला आया उसको कहना तेरी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्यों यार? वो बंदा अगर वो गोरखपुर से यहाँ आ रहा है उस वो डिजर्व नहीं करता कि वेबसाइट बने उसकी? वो कूड़े वाला .com क्यों? वो कितने यार 300 घरों को वो सर्विस दे रहा है, तो वो डिजर्व नहीं करता कि इसकी कूड़े वाला .com हो या उसका पेज। मकसद कहने का कि काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सामने बैठा हुआ है दर्जी वाला, जूते सीने वाला, आपने एक प्रोस्पेक्टिंग करनी है जहन में। जिस दर्जी से आप कपड़े सिलवाते हो, जिस रेस्टोरेंट पे आप खाना खाते हो, ये हमने और फिर हमारे पास से ही निकलेंगे, ये कोई बायर से नहीं आएगा। जो पहली ट्रांजैक्शन होगी, और मैं मुझे ये उम्मीद है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे यकीन है, और जब वो पहला 100 रुपये आप आ जाए ना, तो आपने मुझे उसको खर्च नहीं करना। उसको प्लास्टिक कोटिंग में हम लोग सारों हर बंदे के 100 रुपये को प्लास्टिक कोटिंग में लगाएंगे, ठीक है? अगर 100 रुपये लेना हुआ और मेरे से ले लेना वो वाला, ठीक है ना? उसको हम यहाँ पे टी पे दीवार पे लगाएंगे वो उसके नाम के साथ, ठीक है? और उसको वो वैल्यू करना है। जिस दिन आपने वो 100 रुपये कमा लिया, अगला स्टेप 500 होगा, और वैसे भी हर 500 के अंदर 500 ही होते हैं, ठीक है ना? तो आपने, आपको पता है कि दुनिया में ये जो मैं बता रहा हूँ, ये साबुन वाले जो हैं, ये 20-20 रुपए का साबुन बेच के करोड़पति हो गए हैं। ये शैम्पू जो बेच रहे हैं 5-5 रुपए का शैम्पू बेच के, तो ये पूरा एक अलग से कहानी है कि पैसों के अंदर। आपको पता है ये जो पेट्रोल बेचते हैं आपको, उसमें 7 पैसे लिखे होते हैं। वो पैसे जब पूरे पाकिस्तान में ज़र्ब होते हैं ना, तो वो भी अरबों में बन जाते हैं साल में, ठीक है जी? इस चीज़ को आपने फोकस करना है। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि आप लोग इस जो ये जो पहला बैरियर है ना, इसमें बहुत जल्दी निकल आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हम अपना ये जो पहला कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहा होगा ना कोर्स का विद इन 1 मंथ, तो ये ट्रांजेक्शन हम निकाल लेंगे इसको। फिर उसके बाद फिर हम इसको 2 टीमों में स्प्लिट करेंगे। माइंड आओ, इस वक्त आपका मल्टीटास्किंग है, क्योंकि आजकल ना हमारे ज़माने में ना हमारा दिमाग एक वक्त में एक चीज़ करता था। आप लोगों का दिमाग तो एक वक्त में मल्टीपल चीज़ें कर रहा होता है ना, ड्यूअल कोर, 5 कोर, i5। अब तो ये तो कितने कितने जो है ना आजकल वो आ रहे हैं ना, एक वक्त में 10 किस्म की मल्टीटास्किंग हो रही होती है ना। तो आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। और टारगेट हमारा क्या होगा पहला? 100 रुपया। 100 रुपये का सवाल है बाबा। ओके, अल्लाह हाफिज़।